हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे आपको सभी एजुकेशन अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में, फाइनल ईयर एग्जाम के बारे में। तो आपको पता है 31 मई को एक डिसीजन आया था, उद्धव ठाकरे सर ने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया था सभी को, सभी स्टूडेंट को, कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, आपको प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। तो ये सब डिसीजन हो गया था, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद राज्यपाल जी ने, जो कि अपने राज्यपाल कोश्यारी जी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि ये पॉसिबल नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों में महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन स्टार्टिंग से ही खड़ी है, साथ में अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले थैंक यू इस यूनियन को कहना चाहूँगा, इस यूनियन के जो लीडर है अपने इंगड़े सर, उनको, सिद्धार्थ इंगड़े सर जो इसके लीडर है, उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो स्टार्टिंग से लेके, जब भी से ये चालू नहीं हुआ था, लगभग जब भी से लॉकडाउन हुआ तभी से वो कंटिन्यूसली सीएम के साथ, पीएम के साथ, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो उनका एफर्ट्स दे रहे हैं। तो मासो जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट काउंसिल जो है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसी के बारे में एक आर्टिकल रिलीज हुआ है, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। द महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन मासो रोट अ लेटर टू सीएम ऑन 3 जून। तो मासो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 3 जून को सीएम को लेटर भी लिखा है। उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि आपने जो 31 मई को जो डिसीजन दिया था, उसका जल्दी से जल्दी सर्कुलर निकाल के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के मार्क्स है उनको एग्रीगेट मार्क्स या एग्रीगेट स्कोर दिया जाए और उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिसीजन टू होल्ड मेडिकल एग्ज़ाम टेकन आफ्टर टॉक। ठीक है, तो ये जो मेडिकल एग्ज़ाम का डिसीजन था, जो कि अभी तो ऑलमोस्ट हो गया है कि उनका टाइम टेबल भी आ गया है, 15-16 जुलाई से उनका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, लेकिन मासो इसके ऊपर अभी भी मेहनत कर रहा है कि एग्ज़ाम इनका कैंसिल हो जाए, हम सबका एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ऐसा मासो ट्राई कर रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग आर्टिकल में देखते हैं तो COVID-19 पेंडेमिक महाराष्ट्र स्टेट शुड इशू एन ऑफिशियल ऑर्डर टू ग्रांट एग्रीगेट स्कोर। तो सभी आर्टिकल में यही बताया है कि मासो ने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्दी से जल्दी एक ऑर्डर रिलीज करो, और वो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि जब भी TY वाले स्टूडेंट है या जो भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, तो उनको जो आपने 31 मई को ऑर्डर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर उनको एग्रीगेट मार्क्स दिया जाए। साथ ही में यहाँ पे जो ATKT वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट बात बोला गया है, जो ATKT के स्टूडेंट है उनको भी जल्दी से जल्दी उनका कैसा स्कोरिंग होगा, क्या ग्रेडिंग सिस्टम होगा, ये बताया जाए और उनका भी एग्ज़ाम ना लिया जाए, ऐसा मासो स्टूडेंट जो यूनियन है, महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन, वो सीएम से रिक्वेस्ट कर रही है। लगभग 8 से 10 लाख स्टूडेंट है अभी जो कि फाइनल ईयर में है। तो गाइज, यहाँ पे 8 से 10 लाख स्टूडेंट के हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है। अगर किसी को, एक को भी इन्फेक्शन होता है, तो वो एक बंदा अपने फैमिली को इन्फेक्ट करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को इन्फेक्ट करेगा, किसी टीचर को इन्फेक्शन होता है और वो टीचर अगर पेपर बांट रहे सब में, सबको आंसर शीट दे रहे, तो वो टीचर के वजह से जितने वो क्लासरूम में स्टूडेंट है वो सबको इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेरा भी सीएम से यही रिक्वेस्ट है कि आपसे जल्द से जल्द डिसीजन ले और एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए। यहाँ पे एक विक्रांत पांडे जो स्टूडेंट लीडर है, उन्होंने एक बात बोला है, वी आर हैविंग मेंटल ब्रेकडाउन एवरी डे, वी आर अवेयर दैट गवर्नर बिलोंग्स टू BJP वाइल द CM फ्रॉम शिवसेना, बट दिस इज़ नॉट टाइम फॉर डर्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे हम लोग को सबको पता है सीएम ने जो ऑर्डर निकाला है वो स्टूडेंट के हित में है, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो BJP है, उनके जो गवर्नर है कोश्यारी जी, उनको सभी डिसीजन रॉन्ग लगते हैं। जैसे कि MUHS का भी डिसीजन कोश्यारी जी ने ही बोला है कि एग्ज़ाम लो, उनका कंपलसरी आप उनका एग्ज़ाम लो। तो मैं कोश्यारी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम का डिसीजन कैंसिल कर दो, जितना जल्दी होगा आप फाइनल डिसीजन बोल दो, और स्टूडेंट के हित में वो डिसीजन होना चाहिए। तो मैं लास्ट में फिर से मासो को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो सिद्धार्थ इंगले है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इतना आगे आ रहे हैं सब स्टूडेंट के लिए, वो लीडर है और हमें उन पर नाज है। तो गाइज, ये वीडियो जितना जल्दी से हो सके उतना स्टूडेंट तक पहुँचाइए, फाइनल ईयर के आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये सर्कुलेट कीजिए, सिद्धार्थ इंगले सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो सबको पता होना चाहिए। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही।